हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट अपडेट है, हिमाचल में रिकॉर्ड 1928 नए कोरोना पॉजिटिव, 14 संक्रमितों की मौत। तो इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 78,070 पहुँच गया है। सक्रिय मामले अब 9,783 हो गए हैं। अब तक 67,072 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,190 की हुई है मौत। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर रहा है। सोमवार को प्रदेश में 14 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 5 संक्रमितों की मौत हो गई है। हमीरपुर, शिमला और ऊना में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं किन्नौर, चंबा और मंडी में 1-1 संक्रमितों की मौत हो गई है। सुंदरनगर के कोविड-19 अस्पताल BBMB में देर रात एक कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न देने के आरोप लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को निकाल दिया है। उधर प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार रिकॉर्ड 1928 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 526, सोलन में 412, मंडी में 184, सिरमौर में 134, शिमला में 195, ऊना में 162, हमीरपुर में 105, बिलासपुर में 73, कुल्लू में 64, किन्नौर में 37, चंबा में 34 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। कुंभ से लौटे अर्की के बातल गांव से 15 लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फील्ड स्टाफ के तबादलों पर भी प्रतिबंध। तो इस दौरान स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी अवकाश रहेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फील्ड के क्रियाशील स्टाफ के ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को अब 1 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले 21 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद किए थे, जबकि स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थान के मुखिया पर छोड़ा गया था। अब विद्यार्थियों सहित शिक्षकों को भी छुट्टी दे दी गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। 11 शिक्षकों व कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा निदेशालय अलग से फैसला लेगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में कर्फ्यू लगने पर विचार कर रही है सरकार, सीएम जयराम ने दिए संकेत। तो सीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर सकती है। अभी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर नहीं है, पीक पर पहुंचने के बाद इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल 8 जिलों में 2 दिन ओलावृष्टि बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 और 21 अप्रैल को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, वीसी नियुक्ति मामला राज्यपाल के प्रधान सचिव और एचपीयू के रजिस्ट्रार में से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार से भी जवाब मांगा गया है। अपराधी धर्मपाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए कुलपति सहित विश्वविद्यालय के चांसलर यानी राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। तो मामले की आगामी सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद बिगड़ी बुजुर्ग की हालत मौत। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद एक बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई है। बुजुर्ग को एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने 17 अप्रैल को ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। नेक्स्ट अपडेट है, ड्यूटी से नदारद एसआई समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित। तो हिमाचल के सिरमौर पुलिस ने ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी डॉक्टर केसी शर्मा ने कालाम और नाहन थाना में ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर एक एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल को निलंबित कर लाइन हाजिर किया है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा, डीएसपी मुख्यालय परमदेव ठाकुर और डीएसपी संगडाह शक्ति सिंह ने पुलिस थाना कालाम के अंतर्गत काला अंब, खैरी, कैती, माजरी, टोका साहिब इत्यादि क्षेत्रों में अवैध खनन व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर दबिश के लिए अभियान चलाया। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने टाले पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश न्यायिक सेवा, तहसील कल्याण अधिकारी और रीजनल मैनेजर के पदों को भरने के लिए होने वाले पर्सनैलिटी टेस्ट आगामी आदेशों तक टाल दिए हैं। 27 से 29 तक पर्सनैलिटी टेस्ट लिए जाने प्रस्तावित थे। तो नेक्स्ट अपडेट है,
कालका शिमला फोर लेन पर हिमाचल का दूसरा टोल प्लाजा शुरू, जेब ढीली कर सुहाने सफर पर निकले लोग। तो टोल प्लाजा पर चार लेन फास्ट टैग की है। एक लेन उन वाहनों के लिए कुछ समय तक रहेगी जिन पर फास्ट टैग को स्टिकर तो लगा था लेकिन फास्ट टैग में पैसे नहीं थे, उन वाहनों को फास्ट टैग रिचार्ज भी किया गया। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल और टनल में प्राइवेट बस और ट्राले के बीच टक्कर, 16 लोग घायल। तो पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा सोमवार दोपहर करीब 12 बजे पेश आए। हादसे के बाद यातायात भी बाधित हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट है, बद्दी में 5 कंपनियां तैयार करती हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, सभी की होगी जांच। तो बद्दी में 5 कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करती हैं, इन सभी की जाँच की जाएगी। चंडीगढ़ में हेल्थ बायोटेक फार्मा कंपनी के निदेशक की गिरफ्तारी के बाद अब स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने ये आदेश दिए हैं। हेल्थ बायोटेक फार्मा कंपनी में तैयार हुए कोरोना के उपचार में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध कारोबार के बाद ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के लिए कमेटी बनाई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, अगस्त तक शादियों के 53 मुहूर्त, अब आया संभलने का दौर। तो हिमाचल प्रदेश में 24 अप्रैल से लेकर अगस्त महीने के अंत तक शादियों और मुंडन संस्कार के 53 मुहूर्त हैं। ऐसे में लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने शादी समारोह और मुंडन संस्कार आदि कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना प्रभावित 4 जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजेगा स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सोलन, शिमला और ऊना में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन जिलों में 800 से ज्यादा एक्टिव केस है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है। स्थिति को काबू करने के लिए इन जिलों में मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों से विशेष चिकित्सकों की टीम भेजी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, अब कपड़े की तरह बार बार पहनी जा सकेगी पीपीई किट। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं को मिली सफलता। तो शोध में पाए गए कि इस फैब्रिक से बनी पीपी किट और मास्क को 60 बार धोने के बाद भी उत्कृष्ट जीवाणुरोधी क्षमता रहेगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, प्राकृतिक खेती से 27% बढ़ा हिमाचल के किसानों की आय। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय में 27% बढ़ोतरी हुई है। योजना में बताई गई विधि को अपनाने से कृषि लागत में 56% की कमी भी दर्ज हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, संकट के सिपाही सुबह शाम सड़कों पर लोगों को काढ़ा पिला रहे मंडी के हरदीप राजा। स्कूटी पर सवार होकर राजा रोज 15 लीटर और बिस्कुट ब्रेड लोगों को बांटते हैं रोजाना। इस कार्य में 1000 से लेकर 1100 रुपये खर्च होते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, शिमला में 22 अप्रैल से फिर नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 22 अप्रैल से फिर नजर आएगा। यह 23 अप्रैल को छोड़कर अगले 8 दिनों तक देखा जा सकेगा। नासा ने इसे शिमला से देखे जाने का शेड्यूल जारी किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, इक्डोल में प्रमोट विद्यार्थी ऑनलाइन दे सकेंगे परिणाम। तो हिकडोल में स्नातक डिग्री कोर्स के प्रमोट हुए विद्यार्थी अब ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में पंजीकृत विद्यार्थियों के अवार्ड्स को अपलोड कर दिया गया। अब इन विद्यार्थियों को अपनी लॉगिन आईडी से परिणाम ऑनलाइन नजर आएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली से ऊना लौटने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। तो कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच जिला प्रशासन अब अपने स्तर पर भी फैसले लेने लगा है। ऊना जिले में दिल्ली से लौटने वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने दिया बेसलाइन टेस्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सोमवार को ऑनलाइन बेसलाइन टेस्ट लिया गया। पुरानी कक्षा के सिलेबस के आधार पर प्रश्न तैयार कर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से वर्कशीट भेजी गई। इस टेस्ट के मूल्यांकन के बाद कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए योजना बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, पुलिस मुख्यालय शिमला में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल स्थापित। प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल का गठन कर दिया गया है। यह सेल सभी जिलों में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों को आकलन कर ये निर्धारित करेगा कि किन मामलों को धन शोधन के तहत ईडी के पास जांच के लिए भेजा जाए। तो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास, सिरमौर शिमला के 3 युवक चिट्टे समेत गिरफ्तार। तो कोविड के बीच पुलिस ने NH समेत अन्य क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। इस बीच नशा माफिया समेत कोविड SOP का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार देर शाम को पुलिस ने गश्त के दौरान जिला शिमला सिरमौर के 3 युवकों को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शादी समारोह के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी। कोविड नियमों की पालना के लिए आयोजक को देना होगा लिखित में। तो नेक्स्ट अपडेट है,
तीन प्रवक्ताओं को जारी होंगे कारण बताओ नोटिस। बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के फैसले की आलोचना का आरोप। प्रदेश के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के फैसले की आलोचना करने पर जिले के तीन प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, मैडम बोएस कमलाऊ ने जीता एडवेंचर कप। इसके अलावा बात करें तो 31 दिसंबर तक जमा होंगे पीएचडी एमफिल के शोध। तो फ्रेंड्स इसके अलावा बात करें लास्ट अपडेट की तो लेह मनाली रूट पर बीआरओ ने 8 दिनों में बनाया पुल। लद्दाख को हिमाचल से जोड़े रखने वाले 110 फुट लंबे लेह सरचू पुल को बीआरओ ने रिकॉर्ड 8 दिनों में तैयार कर दिया है। अत्यधिक बर्फबारी से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। तो 110 फुट लंबा है विस्की नाले पर बना लेह सरचू पुल। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ आज सुबह की ताजा खबरें। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय हिमाचल।